व्हाट्स अप गाइस, दिस इज गुरु मान। कोविड-19 के दौरान ये जिम के अंदर पहला प्रोग्राम, इसकी एक पहली एक्सरसाइज है केबल बार क्रो। देखिए, सबसे पहले तो आपने जिम के अंदर अपना ध्यान रखना है कि आप पूरी सेफ्टी के साथ ही जिम जाएं। आपके पास मास्क होना चाहिए या शील्ड होनी चाहिए, और आपके पॉकेट में सैनिटाइजर चाहिए अगर जिम के अंदर अवेलेबल नहीं है। अगर जिम के अंदर सैनिटाइजर है तो आप बार बार उसी का इस्तेमाल करते रहें, हाथ धोते रहें, और ब्रीदिंग का कोई इशू नहीं होगा। इन बिटवीन योर वर्कआउट अपना हाथ सैनिटाइज करें, अपने मास्क को उतार सकते हैं, मतलब सांस ले सकते हैं अगर ऐसी की प्रॉब्लम है। लेकिन जैसा कि मेरा ये पहला वर्कआउट प्रोग्राम था, और जब मैं पहली बार वापस जिम गया लगभग 5 महीने के गैप के बाद, तो मैंने मास्क पहना और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। तो सेफ्टी बहुत ही ज़रूरी है, अपने आप को सेफ रखें, ध्यान रखें। अब बात करते हैं वर्कआउट की। पहला हमारा सुपर सेट था कर्ल, और हम ट्राइसेप प्रेस डाउन लगा रहे थे। अब दूसरे सुपर सेट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, प्रीचर कर्ल। प्रीचर कर्ल बारबेल के साथ लगाएं, अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग लिफ्ट करें। आपका जो रेप रेंजेस है वो 12, 10 और 8 है। 12 लगाएंगे, दूसरे सेट में 10 लगाएंगे, तीसरे में 8 लगाएंगे। 3 सेट आपने लगाने हैं। अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग वेट लोड करते रहें, मतलब इंक्रीज करते जाएं वेट को, क्योंकि जब आपके रेप्स डिक्रीज हो रहे हैं तो आपका वेट इंक्रीज होना चाहिए। हम यहाँ पर सुपर सेट है, इसका मतलब दोनों के अंदर कोई रेस्ट नहीं होगी, हम ब्रेक नहीं ले रहे हैं इन बिटवीन द वर्कआउट। दूसरी एक्सरसाइज हमारी साथ में है वो ओवरहेड एक्सटेंशन है। तो इसका मतलब ट्राइसेप के हम तीनों हेड को टारगेट करेंगे, लॉन्ग हेड, मीडियल हेड एंड लैटरल हेड। तो इसलिए बाइसेप्स के हम दोनों हेड को टारगेट करेंगे, लॉन्ग एंड शॉर्ट को, उसके साथ ब्राकी रेडियालिस मसल। तो यहाँ पर आपकी फॉर्म सही चाहिए, एल्बोज आपकी ऑलमोस्ट लॉक चाहिए, ज़्यादा बाहर नहीं चाहिए। एक्सरसाइज के बाद लगभग 2 मिनट रेस्ट करें और दोबारा रिपीट करें 2 मिनट। उसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है हाई एंगल केबल क्रॉल। जैसे बाइसेप्स की पोजिंग होती है उसी डायरेक्शन में आपकी आर्म ज़्यादा मूव नहीं होनी चाहिए, मेक श्योर अपने बाइसेप्स का इस्तेमाल ही करें। ये सुपर सेट है, वेट अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग इंक्रीज करते जाएं। इस प्रोग्राम के अंदर हमारी जो ट्रेनिंग है वो हाइपोट्रॉफी रहेगी, मतलब है कि हम यहाँ पर 12 से 8 रेप रेंजेस के अंदर रखेंगे और ज़्यादा तेज लगाने की कोशिश नहीं करेंगे। वी हैव टू कॉन्ट्रैक्ट द मसल। जब भी आप किसी भी एक्सरसाइज का इस्तेमाल करेंगे, लगाएंगे, तो यू हैव टू कॉन्ट्रैक्ट योर मसल्स। इस जिम के अंदर शूटिंग करने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम रही, क्योंकि हर जगह परमिशन नहीं मिलती। जिस जिम में जाता हूँ वहाँ पर परमिशन नहीं थी। इस जिम के अंदर भी परमिशन अगर मिली है तो बहुत ही गाइडलाइंस को फॉलो करने के बाद मिली है, क्योंकि कोविड के कारण काफ़ी गाइडलाइंस शूटिंग की भी चेंज हुई है। तो इसीलिए गाइडलाइन को फॉलो करते हुए जिस तरह से मैं इस प्रोग्राम में शूट कर पाया, मेरा था कि मैं आप लोगों को जल्दी प्रोग्राम दे पाऊँ, क्योंकि अब आप लोग भी जिम जा रहे होंगे, तो जिम जा रहे हैं, परफेक्ट है, गेन कर रहे हैं, दैट्स व्हाट वी नीड टू डू। और क्लीन गेन करना है, यही हमारा फोकस है। वो सारी गेम न्यूट्रिशन पर ही है, आपकी क्लीन गेन। तो जब आप सिंगल हैंड ट्राइसेप लगाएंगे, प्रेस डाउन, उसके बाद आप रेस्ट लेंगे 2 मिनट और दोबारा रिपीट करेंगे सुपर सेट। जब मैं इसको शूटिंग कर रहा था तो आसपास मेरे ऑलमोस्ट 6 फीट तो दूर की बात, लगभग 20 फीट के आसपास कोई भी नहीं था, क्योंकि जिम ऑलमोस्ट खाली था। मैं जिम के उस समय जाता था जब ऑलमोस्ट बहुत ही कम क्राउड होता, गिनती के 10 बंदे के आसपास होते थे। जिम बहुत बड़ा है तो 10 बंदे से पता नहीं लगता। बाकी यहाँ पर रूल नहीं है कि आपने मास्क पहनना है जिम के अंदर, मतलब पहन सकते हैं लेकिन यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है जिम के अंदर। और मैं लेकिन रूल को फॉलो कर रहा हूँ, अगर नहीं मनाई है उसके ऊपर तो इसका मतलब नहीं है कि मैंने नहीं पहनना। मैं अपने सेफ्टी के लिए मैंने ज़रूर पहना हुआ है, और मेरे पास सैनिटाइज़र है जिसको मैं इस्तेमाल करता हूँ। इस जिम के अंदर लगभग हर कॉर्नर पर सैनिटाइज़र पड़े हुए हैं, हैंड वॉश के लिए। बार बार मैं ऑलमोस्ट हर 2 एक्सरसाइज के बाद वॉश करता हूँ हैंड वॉश,
और जो मैं इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहा हूँ उसको मैं एक्सेस करने से पहले साफ़ करता हूँ, एक्सेस करने के बाद साफ़ करता हूँ, और चेहरे पर अपना हाथ नहीं लगाता। अगर लगाना होगा तो सबसे पहले सैनिटाइज करूँगा या हाथ धोऊँगा। तो ये ध्यान आपने भी रखना है। बाकी जिम जाने में कोई दिक्कत नहीं है, जिम के अंदर इम्यूनिटी आपकी बिल्ड होगी, जिम के अंदर केसेस बिल्कुल नहीं है ऑलमोस्ट वर्ल्ड वाइड, सो देयर इज नो इश्यू एट ऑल। डरने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हाथ धोते रहें और फेस को टच ना करें। टेक केयर गाइस, दिस इज गुरु मान। आई होप यू विल गेन क्लीन मसल्स विद दिस प्रोग्राम एंड विद प्रॉपर न्यूट्रिशन। यह है डे टू क्लीन मसल गेन का। आज हम लगा रहे हैं शोल्डर्स, और सबसे पहली एक्सरसाइज है बारबल प्रेसेस। हम स्मिथ मशीन पर लगाएंगे, आप चाहे तो इसको फ्री वेट बारबल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देखिए, कोरोना वायरस के दौरान जो वर्ल्ड की गाइडलाइंस है वो है मास्क पहने और हाथ धोते रहें, साफ रखें और 6 फीट की दूरी रखें, जो कि हमें फॉलो करनी पड़ेगी चाहे आप किसी भी कोने में हैं। जिम के अंदर जो कि पैक्ड एरिया है वहां पर आपको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर दो चीज़ें हैं जो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताने वाला हूं। अगर जिम के अंदर क्राउड नहीं है, जिम नहीं भरा हुआ, बहुत स्पेस है आपके आसपास 10 फीट से ज़्यादा, तो आप मास्क को पहन लिया उतार लिया, पानी पिया आपने, हैंड को सैनिटाइज करते रहें जब भी मास्क उतारें। अगर क्राउडेड है तो मास्क को पहने रखें और साइड में जाकर मास्क को उतार सकते हैं अगर ब्रीद का आपको लगता है, लेकिन आपको सैनिटाइज रखना पड़ेगा, हाथ साफ करते रहने पड़ेंगे जब भी आप मास्क को टच करें। यहाँ पर हमारी दूसरी एक्सरसाइज है वो सुपर सेट है डंबल साइड रेज और फ्रंट रेज का। पहली हमारी रेगुलर सेट था, उसमें हमने 12 रेप्स लगाए थे, 12, 10 और 8, 2 मिनट की रेस्ट थी। इसमें भी आपने 12, 10 और 8 रेप्स लगाने हैं। यहाँ पर आपके साइड रेज लगाएं, आपने ध्यान रखना है कि आपकी जो रिस्ट है वो आपके एल्बो से ऊपर ना ज़्यादा जाए, ये कंट्रोल रखना है। यहाँ पर जो मैं साइड रेज लगा रहा हूँ, मेरी टोटल साइड लैटरल नहीं लगा रहा हूँ, थोड़ा सा जो डंबल है, हाथ है मेरा, वो आगे की तरफ है, सो इट्स इन बिटवीन फ्रंट एंड साइड। और स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग वेट इंक्रीज करते जाएं, जैसे 12 रेप लगाए उसके बाद आपने वेट इंक्रीज किया, 10 रेप लगाए फिर वेट इंक्रीज किया, 8 रेप लगाए। साथ में सुपर सेट जो है वो है वाइड फ्रंट रेज। यहाँ पर हम जो नैरो फ्रंट रेज लगाते हैं शोल्डर विड्थ के पैरल, उसकी जगह हम यहाँ पर वाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें हम लैटरल हेड को इन्वॉल्व कर रहे हैं फ्रंट के साथ, तो हमारा एंटीरियर और लैटरल शोल्डर दोनों एंगेज होंगे। सीटर लगाएं तो आपको चीट नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा आपका टेंशन रहेगी शोल्डर्स के। 2 मिनट रेस्ट लें इसके बाद। नेक्स्ट एक्सरसाइज है रियर डेल्ट फ्लाई, हम मशीन के ऊपर लगा रहे हैं। अगर मशीन जिम के अंदर नहीं है आपके, तो डंबल से लगा सकते हैं डंबल रियर डेल्ट फ्लाई। यहाँ पर हमने रेप्स थोड़ा चेंज करेंगे, 15 रेप्स लगाएंगे फिर 12 देन 10। ये रेगुलर सेट है, सुपर सेट नहीं है। देखिए, जिम के अंदर अक्सर हम बोलते हैं कि ऐसी जगह है जहाँ पर कोरोना का चांस ज़्यादा है, लेकिन बेस्ड ऑन लास्ट 5-6 मंथ ये ऐसी जगह यहाँ पर आपकी इम्यूनिटी बिल्ड हो रही है और यहाँ पर चांसेस और केसेस बहुत ही कम है वर्ल्ड वाइड। अगर आप सोशल डिस्टेंस की पालना करेंगे और मास्क पहनते रहें और हाथ धोते रहें, देयर इज नो इश्यू एट ऑल। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, अब हम शोल्डर के साथ साथ हम ट्रेपीजियस मसल को भी ऐड करेंगे। अब देखिए, मैंने मास्क को उतारा है, सांस ले रहा हूँ और दोबारा पहन रहा हूँ। मैं ऐसे करता रहा हूँ ऑलमोस्ट हर एक सेट के बाद, क्योंकि मैं कंटिन्यू नहीं पहनता हूँ, और मेरे पास सैनिटाइज़र है जिसका मैं इस्तेमाल करता हूँ। हालांकि जिम के अंदर हर एक कोने में सैनिटाइज़र है, इसका मतलब है जब भी मैं सैनिटाइज हैंड करता हूँ उसके बाद ही अपने मास्क को पुल करता हूँ, ना कि फिर भी फेस पर हाथ नहीं लगाता। अब इस एक्सरसाइज में आपने ध्यान रखना है कि आपकी एल्बो ऊपर जानी चाहिए, अगर आपकी रिस्ट एल्बो से हायर है तो वो गलत है। यू डोंट नीड एनी अननेसेसरी स्ट्रेस ऑन योर रिस्ट एंड फोरआर्म। तो आप यहाँ पर शोल्डर के साथ साथ आपका ट्रेपीजियस इन्वॉल्व है, क्योंकि यहाँ पर हमारी ग्रिप जो वाइड है तो शोल्डर इन्वॉल्व है। अगर आप ग्रिप को नैरो रखते हैं तो आपके ट्रेपीजियस इन्वॉल्व होंगे। तो जैसा कि सुपर सेट है, इसका मतलब हम ट्रैप्स भी इसके साथ ऐड कर रहे हैं, तो वो एक्सरसाइज में आप जो आपके ग्रिप होंगे वो शोल्डर विड्थ के अकॉर्डिंग होंगे, ज़्यादा आउट नहीं जाएंगे, उससे आपका ट्रेपीजियस और आपका
शोल्डर दोनों एंगेज रहेंगे। अब यहाँ पर हम सिंगल हैंडली ट्रेपेजियस के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो इसके ऊपर आप स्मिथ मशीन या बारबेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप लेग्स को मूव बिल्कुल ना करें, ओनली अपने ट्रैप्स का ही इस्तेमाल करें जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और वेट इंक्रीज करते जाएं। गाइस जस्ट ध्यान रखें, कोरोना वायरस के दौरान आप मास्क पहनकर जिम जाएं और जरूरत पड़ने पर वहां पर मास्क उतारते रहें। आज थर्सडे को क्लीन मसल गेन में हम लगा रहे हैं चेस्ट एंड ट्राइसेप्स। पहली एक्सरसाइज बारबेल बेंच प्रेस। आप स्मिथ मशीन लगा सकते हैं या दूसरे फ्री वेट बारबेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके साथ आपका पार्टनर है तो आप फ्री वेट बेंच का इस्तेमाल करें, अगर पार्टनर नहीं है यू कैन डू दिस स्मिथ बिकॉज स्मिथ इज योर पार्टनर। अब यहां पर रेप रेंजेस आपके 12, 10, 8 सारे प्रोग्राम में यही रहेंगे, और ये सुपर सेट है। जैसे हम चेस्ट लगाए हैं, चेस्ट के तुरंत बाद हम ट्राइसेप लगाएंगे। ट्राइसेप के साथ पहली एक्सरसाइज शुरू करेंगे, वो है स्कल क्रशर, बारबेल स्कल क्रशर। रेप रेंजेस 12, 10 एंड 8। यहां पर आपकी फॉर्म सही होनी सबसे ज्यादा जरूरी है। हमने सिर्फ वेट को मूव ही नहीं करना, हमने फील करना है उस मसल को। हमारे जॉइंट्स की जगह हमारे मसल्स इन्वॉल्व होने जरूरी है, क्योंकि जब हम मूव करते हैं तो हमारे जॉइंट्स ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, मसल पर टेंशन कम रहती है, लेकिन माइंड एंड मसल कनेक्शन बनता है सही फॉर्म से, वो ज़्यादा एक्यूरेट है, वो ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके बाद 2 मिनट रेस्ट लें और इसको दोबारा रिपीट करें। हमारी दूसरी एक्सरसाइज है डंबल इंक्लाइन प्रेसेस। आप चाहें तो यहां पर बारबेल इंक्लाइन प्रेस भी लगा सकते हैं। आपके जो बेंच का एंगल है वो 45 डिग्री होना चाहिए, और आप जब नीचे आते हैं गेट पैक्स को स्ट्रेच करें, अवॉइड करें, शोल्डर एंगेज उतना नहीं होना चाहिए। हालांकि जब भी आप इंक्लाइन प्रेस लगाते हैं तो आपका जो सेकेंडरी मसल है वो है इंटीरियर शोल्डर, मतलब जो आपका इंटीरियर डेल्टॉइड मतलब फ्रंट शोल्डर है वो इन्वॉल्व होता है। सो इन वेट को इंक्रीज करते जाए, मैंने मास्क पहना हुआ है ऑलरेडी, पिछली वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपके आसपास कोई नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग 6 फीट से ज़्यादा गैप के अंदर लोग हैं, मतलब बहुत ही कम लोग हैं जिम के अंदर, तो आप मास्क को उतारते रहें, और उतारने से पहले अपना हाथ साफ होने ज़रूरी है, मतलब सैनिटाइज कर सकते हैं, वॉश कर सकते हैं, ताकि आप ब्रीदिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। हालांकि ब्रीदिंग की कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे करता आ रहा हूँ, देर इज़ नो इशू एट ऑल। लेकिन वो आप 10-15-20 सेकंड पहनते हैं, आप बाद में उतार देते हैं। यू डोंट हैव टू वेयर लाइक 1 घंटा पहन कर रखें, ऐसा कुछ नहीं करने की ज़रूरत आपको। आप हाथ सैनिटाइज करते रहें और अपने मास्क को उतारते पहनते रहें। हमारी थर्ड एक्सरसाइज है केबल क्रॉसओवर, जो कि हमारी डीक्लाइन फ्लाइज बोल सकते हैं आप। अगर आपके जिम में ये मशीन नहीं है तो आप डंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, डंबल डीक्लाइन फ्लाइज लगा सकते हैं। हर एक एक्सरसाइज का भी अल्टरनेट आपके पास होना चाहिए। अगर डंबल नहीं है तो बारबेल, बारबेल नहीं है डंबल, मशीन है तो मशीन से आइसोलेट कर सकते हैं। तो यू ऑल हैव टू मिक्स एंड मैच। समटाइम जिम के अंदर वो मशीन ऑक्यूपाइड है, वो डंबल बिजी है, वो बार बिजी है, तो आप उस दौरान स्विच कर सकते हैं जरूरत के अकॉर्डिंग। साथ में ट्राइसेप जो सुपर सेट है वो है बेंच डिप्स। अब यहाँ पर आप चाहें तो अपनी लेग्स के ऊपर वेट ऐड कर सकते हैं, प्लेट्स रख सकते हैं या डंबल रख सकते हैं, जिससे आप रेजिस्टेंस ऐड करेंगे। तो अगर इजी लग रहा है तो चैलेंजिंग नहीं है, तो उसको अपने चैलेंजिंग बनाने के लिए आपको वेट इंक्रीज करना पड़ेगा, मतलब ऐड करना पड़ेगा, ताकि वो मसल ज़्यादा इन्वॉल्व हो। उसके बाद लास्ट एक्सरसाइज है डीक्लाइन डिप्स। डीक्लाइन डिप्स हर एक की स्ट्रेंथ नहीं है, इसको अगर आप 2 लगा पाए 3 लगा पाए लगाएं जरूर। जिसकी स्ट्रेंथ है वो इजी लगा पाएगा इसको 10-15-20, लेकिन अगर नहीं है तो आप धीरे धीरे स्ट्रेंथ बिल्ड करें। तो इसकी अल्टरनेट में आप डंबल डीक्लाइन प्रेसेस लगा सकते हैं, लेकिन चाहे 1 रैप लगाएं 2 लगाएं, लेकिन लगाएं जरूर, कोशिश जरूर करें।
मसल गेन में आज फ्राइडे को हम लगा रहे हैं बैक एंड बाइसेप्स। बैक के अंदर सबसे पहले आप वार्म अप जरूर करें और वार्म अप की सबसे बेस्ट एक्सरसाइज आपकी आ जाएगी पुलअप्स। अंडर हैंड, ओवर हैंड, क्लोज ग्रिप, जो भी आपने लगाने हैं जस्ट डू टू सेट्स जितने आप लगा सकते हैं। एक लगा सकते हैं, दो लगा सकते हैं, 20 लगा सकते हैं, डू इट। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है, लड़की की तरफ बिल्कुल ना देखें आप, मुझे मालूम अपने पॉज करके दोबारा देखना है, बट इट्स ओके। पहली एक्सरसाइज है लैट पुल डाउन। वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान हमें काफ़ी प्रॉब्लम रही है क्योंकि मैं जैसे बता रहा हूँ COVID-19 कारण हमें वीडियो शूट पर परमिशन नहीं मिल रही थी। जिस जिम के अंदर मैं जाता हूँ वहाँ नहीं मिली, इस जिम में परमिशन मिली है, वो भी गाइडलाइंस है, इसलिए मास्क जरूर पहनना जरूरी था मेरे लिए शूटिंग के दौरान भी, और मेंटेन रखना भी बहुत ज़रूरी था जो गैप 6 फीट का रखता हूँ, और इसीलिए थोड़ा टफ रहा। एनीवेज, पहली एक्सरसाइज लैट पुल डाउन वाइड ग्रिप, उसके बाद हम सुपर सेट में लगा रहे हैं बारबेल प्रो। बाइसेप्स को हफ्ते में 2 बार ट्रेन कर रहे हैं, आपने मंडे बाइसेप ट्राइसेप किया था, अब हम स्प्लिट कर रहे हैं, बाइसेप को बैक के साथ लगा रहे हैं। बाइसेप स्मॉल मसल है, 2 ही मसल है, इसीलिए हम इसको फ्रीक्वेंटली हिट करेंगे, बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है, 2 दिन के अंदर रिकवर होंगे, तो हम हफ्ते में 2 बार कर रहे हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है क्योंकि ये स्मॉल मसल है, रिकवर्स फास्ट। दूसरी एक्सरसाइज यहां पर हम लगा रहे हैं हैमर रोज। हर एक जिम के अंदर ये हैमर रोज की मशीन है, अगर आपके जिम के अंदर हैमर रोज की मशीन नहीं है तो आप यहां पर जो टी बार रोज है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर टी बार रो भी नहीं है तो आपको मालूम है कि आप वन साइड बारबल रो लगा सकते हैं, जिसमें आप एक कोना जो है बारबल का वो दीवार के पास लगाते हैं और दूसरी साइड आप प्लेट को लोड करते हैं, तो वो क्लोज ग्रिप आप इस्तेमाल कर या वाइड ग्रिप का इस्तेमाल कर वहाँ पर आप रोज लगा सकते हैं ऑल्टरनेट। तो यहाँ पर ये सपोर्टेड है, आपकी यहाँ पर बैक आगे नहीं झुकेगी, लोअर बैक के ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा क्योंकि सपोर्टिव एक्सरसाइज है, तो काफ़ी अच्छा है। अगर आपकी लोअर बैक के अंदर पेन है या महसूस करते हैं, सोर होती है, तो यू कैन यूज द सपोर्टेड एक्सरसाइज। सेकेंड साथ में सुपर सेट है, वो है हैमर क्रॉल। हैमर क्रॉल में यहाँ पर आप चाहें तो ऑल्टरनेट लगा सकते हैं, लेफ्ट राइट या इकट्ठा लगाया जा सकता है, इट्स ऑल अप टू यू, ये दोनों चॉइस आप कर सकते हैं। इसके बाद आप 2 मिनट रेस्ट लेंगे, रैप रेंज आपके 12, 10, 8 है। थर्ड एक्सरसाइज यहां पर आ जाएगी स्मिथ रोज। जी हाँ, बारबल रोज लगाएंगे स्मिथ मशीन पर, आप चाहे तो फ्री वेट बारबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, आप वेट बेल्ट जो है वेस्ट बेल्ट उसका इस्तेमाल जरूर करें, आपकी सेफ्टी के लिए अच्छा है। अगर आपको बैक वगैरह की पेन होती है अक्सर, या तो सही गलत फॉर्म से, या ऑलरेडी आपकी यू हैव अ वीक स्पाइन वर्टेब्रास, तो उसके अंदर आप बैक बेल्ट का इस्तेमाल करें और अवॉइड करें, बारबेल की जगह आप रोज डंबल रोज लगा सकते हैं सपोर्टेड। तो ऑल्टरनेट में कुछ चीज एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि कुछ इंडिविजुअल्स जो है उनको लोअर बैक की पेन होती है, लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स दे आर स्ट्रांग बैक, सो बेस्ड ऑन दैट हु यू आर यूज द वेस्ट बेल्ट। साथ में सुपर सेट है जिसमें आपकी एल्बोज बाहर रहेगी, आप रोप का इस्तेमाल कर रहे हैं क्लोज, जिससे आप ब्रैकियाई मतलब आउटर मसल को ट्रेन करें। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, वो है हाइपर बैक एक्सटेंशन। हाइपर की मशीन के ऊपर, इस मशीन के ऊपर हाइपर बैक एक्सटेंशन लगाएं, साथ में आप प्लेट को होल्ड कर सकते हैं, रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं। देखिए, मास्क अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग पहनते रहें, उतारते रहें, जब भी आप मास्क को हाथ लगाएं मेक श्योर आप अपने हाथ को सैनिटाइज जरूर करें, और ब्रीदिंग के लिए आप मास्क इन बिटवीन उतारते रहें। क्लीन मसल गेन में हम लगा रहे हैं सैटरडे को लेग्स, क्वाड्स, हैम्स, ग्लूट्स एंड कैप्स। सबसे पहले हम यहाँ पर लेग प्रेस लगाएंगे। आप बहुत ज़रूरी है कि आप वार्म अप ज़रूर करें, बॉडी वेट स्क्वाट से आप वार्म अप कर सकते हैं, 2 सेट लगभग 20 रेप्स से वार्म अप करने के बाद आप लेग प्रेस
लाइट वेट से शुरू करेंगे और वेट को इंक्रीज करते जाएंगे, फिर 12, 10 और 8 रेप्स लगाएंगे, हैवी वेट का इस्तेमाल करेंगे। एक्सरसाइज के बाद 2 मिनट रेस्ट लें, उसको दोबारा रिपीट करें। इसके बाद हमारी दूसरी एक्सरसाइज है, वो है लेग प्रेस ऑन स्मिथ मशीन। अगर आपके जिम के अंदर स्मिथ मशीन है तो आप लगा सकते हैं। इससे हम सोली हमारा जो मसल रहेगा वो ग्लूट्स और आपके हैम रहेंगे और आपके क्वाड्स भी इन्वॉल्व रहेंगे। लेग प्रेस में आप अगर अपने लेग्स को, अपने पाँव को ऊपर रखते हैं तो आपके ग्लूट्स हैम रहेंगे, अगर आप पाँव नीचे करेंगे तो आपके क्वाड्स इन्वॉल्व होंगे। अगर ये स्मिथ नहीं है आपके जिम के अंदर तो आप स्क्वाट्स लगाएं, स्क्वाट्स से बेटर कोई भी एक्सरसाइज नहीं है। लेग प्रेस के बाद अगला सेट आपका स्क्वाट्स हो। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज है लेग एक्सटेंशन। ये हमारा सुपर सेट है। अब हम क्वाड्स को आइसोलेट करेंगे यहां पर अपने, मतलब आउटर क्वाड इनर क्वाड के साथ। हम यहाँ पर हमारा जो सुपर सेट में जाएगा वो हमारा हैमस्ट्रिंग जाएगा, तो हम यहाँ पर आइसोलेट करेंगे क्वाड्स को और उसके बाद हम इसके साथ हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइज करेंगे। कीप में यहाँ पर हम ग्लूट्स हैम्स क्वाड्स को की एक्सरसाइज लगा रहे हैं। इसकी ऑल्टरनेट में आपने करना है अगर एक्सरसाइज तो आप यहाँ पर लंजेस लगा सकते हैं, बारबल लंजेस या डंबल लंजेस। अब ये सुपर सेट में हम यहाँ पर आइसोलेट कर रहे हैं। ये हमारी एक्सरसाइज हो गई ग्लूट्स की, हैम्स की, आपकी बैक भी इन्वॉल्व है, आपके क्वाड्स नहीं होंगे। हम स्टिफ लेग लगा रहे हैं, अगर आप अपनी नीज को बेंड कर रहे हैं तो हम यहाँ पर क्वाड्स को इन्वॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ नीज बेंड नहीं कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पर हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स इन्वॉल्व है। देखिए इस एक्सरसाइज में आपकी बैक भी इन्वॉल्व है, आपका कोर भी इन्वॉल्व है, आपकी एब्स इन्वॉल्व है, आपकी फोरआर्म इन्वॉल्व है। तो इसका ना कंपाउंड वर्कआउट, वन ऑफ द सॉलिड वर्कआउट यू कैन एवर डू। इसके ऑल्टरनेट में आप यहाँ पर बारबेल डेडलिफ्ट लगा सकते हैं। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज कैब्स की है। कैब्स के अंदर यहाँ पर सोलियस और गैस्ट्रोनेमियस दो मसल जिसके ऊपर फोकस करेंगे और यह है सीटेड कैब रेज। लाइट वेट से शुरू करें, 15 रैप लगाएं, उसके बाद वेट इंक्रीज करें, 12 रैप्स लगाएं, वेट इंक्रीज करें, 10 रैप लगाएं, वेट इंक्रीज करें, 8 रैप लगाएं। अगर सीटेड मशीन नहीं है तो आप यहाँ पर स्टैंडिंग कैब रेज भी लगा सकते हैं। मैस्क का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि जिम के अंदर काफ़ी क्राउड है तो मास्क पहने, नहीं है तो आप इन बिटवीन उतारते रहें, हाथ धोते रहें। कीप द सोशल डिस्टेंसिंग गाइस, स्टे हेल्दी, टेक केयर। गुरुमान आउट।